Hey guys, welcome or welcome back to my channel, This Side Pooja Devnath. If you are new to my YouTube channel guys, तो मेरे channel को subscribe कर लेना जल्दी से. Actually, इधर से काफी ज्यादा हवा का flow आ रहा है तो मैं थोड़ा सा बोलने में confused हो गई. एंड मे बी कि आपको मेरे वॉइस में क्वालिटी ना मिले, बट सडन प्लान बना हमारा घूमने का तो मैं घूमने आई हूँ. एंड यहाँ पर आने के बाद मैंने सोचा क्यों नहीं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. एंड आप अगर मेरे पीछे का व्यू देखेंगे गाइस तो प्रीटी यार. एक्चुअली मैं शारनी डैम आई हुई हूँ घूमने के लिए. एंड काफ़ी टाइम से मैं घर के अंदर रह रहे के काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी. मतलब करीब 1.5 से 2 महीने हो गए मैं घर से निकली तक नहीं थी गाइज. बट आज का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा ऑसम है गाइज. तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो आपके साथ शेयर की जाए. एंड अगर आप इस वीडियो को इंजॉय करते हो और वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को गाइज. Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. That is the view guys. ये डैम का व्यू है आप देखेंगे. एंड ये जो पहले एक बार मैं पूरा राउंड आपको दिखा देती हूँ कि पूरा किस तरीके का व्यू है. एंड अभी फिलहाल मैं जिस जगह पे आई हूँ इस जगह का नाम है मछली काटा. वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पर लोग फिशिंग करने आते हैं. एंड ये पूरा डैम है यहाँ पर, ठीक है. एंड यहाँ पर फोटो सेशन चल रही है. एंड गाइज ये पूरी घास पूरी आप देखेंगे बिल्कुल एकदम दूर दूर तक के फैली हुई है. एंड इस घास की स्टोरी ये है कि ये जो घास है वो चाइना से लाई गई थी एंड फिश टैंक के लिए लाई थी. अब वो काम में नहीं था तो यहाँ पर फेंक दिया गया.
एंड वो पूरे यहाँ पर फैल चुका है एंड अब इसे साफ करने के लिए लाखों का टेंडर पास हो रहा है गाइस। एंड ये है हमारे शारनी का पहाड़ी वाला व्यू। एंड अगर से यहाँ थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो आपको शायद यहाँ पर एकदम ऊपर टेकड़ी में यहाँ पर आपको शायद थोड़ा सा मंदिर का व्यू दिख रहा होगा गाइस। एकदम ऊपर में वहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर है एंड ये जो है ये पावर प्लांट है गाइस, मतलब यहाँ पर बिजली बनती है एंड यहाँ पर कोयले की खदानें भी है, तो कोयला भी यहीं से निकलता है एंड बिजली भी यहीं पर बनती है एंड यहाँ से काफ़ी सारे सिटीज़ में सप्लाई भी होती है एंड यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। कौन कहेगा कि मुझे वाटर स्पोर्ट दिया है बट वाकई में है। अभी इतना लंबा रास्ता और तय करना है अपने डर के साथ में, बट कोई बात नहीं, डर के आगे ही जीत है, क्यों भाभी? लवर्स पॉइंट, हालांकि यहाँ पर हम में से कोई भी लवर्स नहीं आए हैं, सब भाई बहन भाभी है लेकिन इस जगह का नाम है लवर्स पॉइंट, पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी लवर का नामो निशान कुछ कुछ टंग स्लिप होते रहती मेरी, लेकिन यहाँ पर किसी भी लवर्स का नामो निशान नहीं है एंड यही प्लेस अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, कुछ खास नहीं है बट ठीक है, फिर भी लवर्स के लिए जरूर अच्छा है। लवर्स पॉइंट था लेकिन ये देखो यहाँ क्या चल रहा है। ये देखो यहाँ फोटो सेशन चल रहा है, ये देखिए यहाँ फोटो क्लिक किए जा रहे हैं। अपने फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच गए हैं जहां हमें आना था, घूमते फिरते आ रहे थे हम एंड फाइनली ये रहा क्या है, डैम है, डैम ये सतपुड़ा का डैम, इधर पूरे 14 गेट है। इधर परमिशन मिलती थी घूमने जाने के लिए लेकिन अब इधर प्रवेश निषेध कर दिया गया है